नमस्कार, स्वागत है आपका साई न्यूज 24/7 सच की आवाज। मैं हूं आपके साथ शमशीर शेख। आइए आपको लेकर चलते हैं देश और प्रदेश से जुड़ी हुई कुछ खास खबरों पर। उत्तर प्रदेश की मुरादाबाद की मदरसा इस्लामिया अरबिया जामे उल हुदा में बच्चों और शिक्षकों ने सुबह होने वाली दुआ में राष्ट्रगान गाया। यहाँ के अध्यापकों का कहना है कि यह मदरसा 1954 में स्थापित हुआ था। मदरसे में देश प्रेम की भावना से वर्षों राष्ट्रगान गाया जाता रहा है। यूपी मदरसा शिक्षा बोर्ड परिषद ने मदरसों में राष्ट्रगान गाए जाने का आदेश दिया था, जिसके बाद मदरसों में भी अब राष्ट्रगान गाया जा रहा है। बाइट मौलाना मोहम्मद तैयब, मदरसा शिक्षक मुरादाबाद। रिपोर्ट राजन शर्मा की खास रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद तैयब है। तैयब सर, आपके मदरसे में आज राष्ट्रगान गाया गया है और उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से एक आदेश आया है कि हर मदरसे में अब राष्ट्रगान गाया जाएगा। क्या आपके यहाँ पहले से गाया जाता है या पहली बार? हमारे यहाँ तो ये बच्चों की दुआ के साथ हमेशा से गाया जाता रहा है और आज भी गाया गया है। इसका मामूल पहले ही से है, तो इससे बच्चों में एक नई शिक्षा की लहर दौड़ती है, मतलब बच्चों में राष्ट्र प्रेम जागता है उससे। जी जी, ये तो बहरहाल कौमी तराना है और इसके पढ़ने से बच्चों के अंदर देशभक्ति और हुब्बुल वतनी का जज्बा पैदा होता है और होना भी चाहिए। हम हिंदुस्तान में रहते हैं तो हिंदुस्तान के जर्रे जर्रे से हमें मोहब्बत होनी चाहिए। यही हमारा वतन है, यही शिक्षा हम बच्चों को भी देते हैं। लगभग कितने वर्षों से आपके यहाँ बिना आदेश के भी ये राष्ट्रगान गाया जा रहा है? हमारे यहाँ हमारा मदरसा 1954 में कायम हुआ, उसके बाद से ये तालीमी सिलसिला चल रहा है और कब से गाया जाता है इसकी सही टाइम तो मुझे नहीं है, लेकिन बहरहाल जब से हम यहाँ हैं 20 साल हमें यहाँ तकरीबन हो गए, हमने इसको सुबह बच्चों में दुआओं के साथ इसको मुस्तकिल गाते हुए देखा है, पढ़ा जाता है,